हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश, यूट्यूब चैनल लेसन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से जो हमारी अर्थमेटिक मैथ्स है वो स्टार्ट हो रही है। इससे पहले आपको मेरे दो या तीन वीडियो कैलकुलेशन में मिल गए होंगे और बीच बीच में आपको कैलकुलेशन की वीडियो मेरे और मिलते रहेंगे। तो जो हमारे अर्थमेटिक मैथ्स है उसका जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा परसेंटेज। ध्यान रखना, परसेंटेज अर्थमेटिक मैथ्स का एक नींव है, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, सबसे ईजी टॉपिक भी यही है। तो परसेंटेज के बारे में थोड़ी देर बाद में डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि हम अर्थमेटिक मैथ्स किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए के पास हमारे पास दो तरीके होंगे। मैं दो तरीके अपनाऊंगा यहाँ पे। अगर किसी क्वेश्चन में बेसिक तो हम हर क्वेश्चन में यूज करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में ट्रिक लगती है, जैसे कोई क्वेश्चन क्या होता है, कोई ट्रिक से हो रहा है, तो उसमें हम ट्रिक भी अपनाएंगे। अपनाने का क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आजकल क्या होता है, कोई भी एग्जाम्स ले लो, जैसे मैंने एक एग्जाम्स ली, एसएससी के एग्जाम्स ली। एसएससी अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपको 60 मिनट मिलते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं वहाँ पे 100 होते हैं। तो मुझे बताओ, जैसे अगर आप वहाँ पे मैथ अटेम्प्ट करोगे तो आप अधिकतर समय क्या होता है कि आप मैथ के लिए बचा कर रखते हो। जैसे अगर 25 मिनट देते हो या फिर आप 20 मिनट्स देते हो, तो एज अदर पार्ट्स के कंपेरिजन में आपको मैथ को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो अगर वहाँ पे 25 क्वेश्चन कर रहे हो तो वहाँ पे 25 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो, जैसे 12 तरह क्वेश्चन तो इजी वे में होगी, जो मतलब जल्दी हल हो जाएंगे। तो बाद और अदर जो क्वेश्चन बचेंगे वो क्या होगा, तो उनका जो लेवल होगा वो कुछ अच्छा लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो अगर मुझे बताओ, अगर आपके पास इनमें या तो ट्रिक लग जाए या फिर अच्छे लेवल के अगर क्वेश्चन में ट्रिक लग जाए, तो अच्छे लेवल के जो आपसे ट्रिक से नहीं हो रहे हैं, तो बेसिक आपका टाइम ले रहा है, तो वो टाइम अगर ट्रिक से करके अगर आप इस बेसिक में अगर टाइम देते हो, तो ध्यान रखना आपकी जो एक्यूरेसी हो जाएगी या फिर आपके सिलेक्शन होने का दायरा होगा वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम अगर किसी क्वेश्चन में बेसिक तो हम हर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, बट अगर किसी में ट्रिक लग रही है तो हम इसको ट्रिक लगाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम हर क्वेश्चन में ट्रिक लगाएंगे, हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक बनती भी नहीं है। वो क्या होता है कि अगर हम, जैसे हमारा बेसिक है, उस बेसिक में क्या होता है कि एक दो स्टेप हम छोड़ देते हैं और वो डायरेक्टली अगर हम डायरेक्ट उस आंसर पर चले जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो ट्रिक हो जाती है, कोई खास बात नहीं है। ट्रिक हमेशा क्या होती है, बेसिक से ही आई हुई है। तो और हाँ, ध्यान रखना, मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि अभी आपको कुछ नहीं आता है, जो पढ़ रहे हो सिर्फ आप मेरे से पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स। वैसे तो अब ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं तैयारी करवा रहा हूँ, बट जो हमारा लेवल रहेगा, ध्यान रखना मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा। जो एसएससी, वो CDS या फिर कोई केट के एग्ज़ाम्स होती है, ये तीन चार एग्ज़ाम्स क्या होती है, ये अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स होती है। इनमें मैथमेटिक्स क्या फिर अच्छे लेवल की आती है, तो हम यहाँ तक हम तैयारी करेंगे। जो अदर जो मेरे भाई बहन है, अगर वो जैसे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो ये क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करके जाते हैं, जैसे मैं SSC या CDS के मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए, तो अगर वो ये निकाल के जाते हैं, तो ध्यान रखना उनकी पहली बात तो वहाँ पे क्या होता है कि स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में उनका स्टेट लेवल का जो GK होता है वो ज़्यादा पूछ जाता है एज़ कम्पेयर टू मैथमेटिक्स। और जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें मैथमेटिक्स का बजट ठीक ठाक रहता है, तो और वहाँ पर स्टेट लेवल में थोड़ी मैथमेटिक्स ईजी भी रहती है। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन करते हो तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा, एक तो आपकी जो स्पीड रहती है वो अच्छी हो जाएगी, तथा जो एक्यूरेसी है आपके मैथ में सही होने की वो भी क्या वहाँ पर अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए मैं ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन आपको करके जाना है अगर आप कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो। तो मैंने जीरो से स्टार्ट करूंगा, जो हमारा लेवल रहेगा यहाँ तक रहेगा। मैंने आपको बता दिया, जैसे मैं CDS या फिर हम जो कंपटीशन तय रेलवे या फिर बैंक, जैसे SSC में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, 10+2 CGL या फिर MTS या CPO या फिर अदर कोई एग्जाम्स जो SSC में आती है, उसके भी हम वो मतलब सभी में लगभग क्या होती है, कंपटीशन एग्जाम्स में मैथमेटिक्स लगभग सेम ही आती है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। बस फर्क इतना होता है कि किसी में क्वेश्चन आपको सरल मिल जाएंगे या इजी मिल जाएंगे, या किसी में जो क्वेश्चन होता है वो अच्छे लेवल के मिल जाएंगे, बस इतना सा फर्क रहता है। तो ध्यान रखना ये जो और कंपटीशन एग्जाम जिसमें मैथमेटिक्स आती है वो सब में लगभग सेम ही रहती है। तो ये मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दी है कि हम किस प्रकार से मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा परसेंटेज। अब आप सर, परसेंटेज या प्रतिशत है तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, बस इसका जो नेम है उसमें इसका मतलब छिपा हुआ है। मुझे बताना पर और सेंट,
तो पर का मतलब अगर पता होगा तो पर का मतलब होता है एक, और सेंट का मतलब सेंचुरी, मतलब क्या होता है सौ, और प्रति मतलब अगर हिंदी में देखें तो प्रति मतलब भी एक होता है, मीनिंग्स मतलब, और जो सत सत होता है इसका मतलब क्या होता है हंड्रेड होता है। तो उस प्रतिशत का अब मीनिंग्स क्या होगा, प्रतिशत का मीनिंग्स होता है कि सौ के रिस्पेक्ट में किसी नंबर को लेना। जैसे अगर मैं सौ के रिस्पेक्ट में एक नंबर को लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये एक परसेंट के डेफिनेशन हो जाएंगे। तो क्या होगी, अगर आपको एक परसेंट बताना है तो क्या होगा, क्या सौ के रिस्पेक्ट में एक नंबर लेना, या अगर प्रतिशत की डेफिनेशन देखो तो ध्यान रखना 100 के रिस्पेक्ट में किसी नंबर को लेना है क्या होता है प्रतिशत होता है। तो ये छोटी मोटी डेफिनेशन थी प्रतिशत की, मैंने बता दी है आपको, थोड़ी बहुत समझा देता हूं। मुझे बताना कि एक प्रतिशत डेफिनेशन में बता दी कि 100 के रिस्पेक्ट में एक को लिखना। तो एक तो ये होगा प्रतिशत का, ध्यान रखना प्रतिशत का साइन कुछ इस प्रकार से होता है। अगर कोई भाई मेरे भाई बहन पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्रतिशत कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये मतलब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो आपने देखे होंगे कोई कंपटीशन एग्जाम्स की आप तैयारी करने आए हो तो जैसे आपको टेंथ में 60% होंगे या फिर 70% होंगे या फिर आपके 90% होंगे, तो वो आपको 90% किस में से मिले, वो किस में से मिले आपको 100 में से मिले। तो वो कितना हो गया कि 100 के रिस्पेक्ट में आपको जो 90 मार्क्स मिले वो क्या होंगे, आपके नंबर हो गए। तो इस प्रकार से हम किसी भी परसेंटेज को डिनोट करते हैं। जैसे अगर आप यूनिवर्स में आपने देखा होगा कोई भी अगर कोई सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, आपको थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ साउंड सुन रहा होगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा था इसलिए मैं रुक भी गया था। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत डेफिनेशन बता दिया कि परसेंटेज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स दे दी है मैंने। अब चलती है हमारे परसेंटेज की तरफ। मैंने आपको बता दिया है कि मैं बात कर रहा था कि कोई भी यूनिवर्स में अगर आप ये पेन है तो इसे क्या मान सकते हो, आप 100% मान सकते हो। अगर मेरे पास ये डस्टर है तो मैं इसे क्या मान सकता हूँ, इसे 100% मान सकता हूँ। मैंने कहा इसे मैंने हाफ हाफ डिवाइड कर दिया तो इधर क्या हो गया, ये 50% हो गया और इधर क्या हो गया, ये 50% हो गया। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1/100, तो मैंने 1/100 को क्या मानता है, मैंने इसे 1% माना था। अगर मैं 100 को इधर भेज देता हूँ तो मुझे बताना ये 1 बराबर कितना हो गया, ये 1 बराबर इधर भाग में उधर गया तो कितना हो गया, मल्टीपल में हो गया, और 1 को जब 100 से गुना करते हैं तो 100 आता है। तो 1 बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। तो कोई भी अगर वैसे मैंने माना इसे मैंने क्या माना था, इसे मैंने 100% माना था, तो इसमें क्या मान सकता, इसे मैं एक यूनिट मान सकता हूँ। देखो यहाँ पे एक यूनिट मान सकता हूँ, और जो ये वैल्यू है यहाँ ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये भिन्न संख्या है। ध्यान रखना भिन्न संख्या क्या होती है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, फिर इसे क्या बोलते हैं, हम भिन्न बोलते हैं। मुझे बताना, मैंने लिखा 2/3, तो 2/3 क्या है, ये क्या है, एक भिन्न संख्या है। तो आपको समझ गए, वैसे सभी संख्याएं भिन्न संख्याएं होती है। मैंने लिखा ऐसे, मतलब 4 लिखा तो 4 में 1 का भाग तो जाता ही है, तो ये क्या एक भिन्न संख्या है। तो 2/3 लिखा मैंने, क्या है, ये भिन्न संख्या है। तो ध्यान रखना जैसे परसेंटेज एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो मैंने बता दिया कि आपको भिन्न संख्या क्या होती है। अब इधर ध्यान देना, तो मैंने क्या कहा कि एक या तो किसी संख्या किसी भी थिंग्स को मैं क्या मान सकता हूँ, या तो एक मान सकता हूँ या फिर क्या मान सकता हूँ, उसे मैं 100% मान सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि जैसे मैं मार्कर है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ। ये मार्कर है, मैंने ये मार्कर कुछ इस प्रकार से लिखा, आप इसे लकड़ी का टुकड़ा आप इसे लकड़ी का टुकड़ा मान सकते हो, या फिर इसके हम क्या मान सकते हो, आप मार्कर मान सकते हो। मैंने कहा या तो फिर ये एक यूनिट है, मैंने बताया था आपको कि 1 बराबर कितना है मेरे पास, 100% आया होगा। तो या तो ये एक यूनिट है या फिर क्या है, ये 100% है। तो मैंने कहा अगर मैं इसे हाफ हाफ डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इसे हाफ हाफ डिवाइड करता हूँ तो हाफ इधर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हाफ इधर हो जाएगा। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 50% इधर हो जाएगा, ये 50% इधर हो जाएगा। अगर देखें तो जैसे मैं वापस इस मार्कर का बना लेता हूँ, तो मैंने कहा कि ये एक यूनिट है और ये क्या है, ये 100 है, 100% है। अगर मैंने इससे 1/3 और 1/3 में क्या है, मैंने एक तिहाई भाग में इसे डिवाइड कर दिया। तो अगर आप इसे यूनिट को जब एक यूनिट को जब हम डिवाइड करेंगे वह तीन भागों में, तो 1/3 मिल गया हमें। अगर मैं 100% उसे डिवाइड करना चाहता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 33 से ही 1/3%, 36 से 1/3%,
3% और क्या हुआ है 33 a/3%। तो ये वैसे यूनिट को हम इस प्रकार से ये ध्यान रखना, मैंने क्या बताया ये भिन्न संख्या होती है और ये क्या है परसेंटेज के रूप में इसे हम डिनोट कर रहे हैं। तो आई होप कि मतलब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बेस से हम करेंगे, ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं कि मैंने कुछ ये बताया और हाई वाले क्वेश्चन करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जो बच्चे मेरे भाई बहन हैं जो बिल्कुल हाथ से फट रहे हैं उनको भी मेरे को साथ लेकर चलना है। तो अगर आपने पहले कहीं परसेंटेज पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा अगर आपने पहले कही मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो। तो ये हमारी छोटी मोटी डेफिनेशन हो गई परसेंटेज के बारे में, आपको बता दिया कि वास्तव में हकीकत में परसेंटेज होता क्या है। अब हम थोड़ा टॉपिक की तरफ चलते हैं हमारे, तो हम इस अब सीखेंगे कि हमारा तो फर्स्ट पॉइंट होगा कि कोई भी हम भिन्न संख्या आई है, भिन्न संख्या को हम परसेंटेज के रूप में कैसे परिवर्तन करते हैं बेसिक माने माना में से। पहला पॉइंट ले रहे हैं हम किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में चेंज करना, में बदलना। तो मेरे भाई बहन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता देता हूं, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। अब हम सीखेंगे किसी भी बिन को हम प्रतिशत रूप में कैसे चेंज करते हैं। मैंने एक बिन ली 1/2 या 1/2 ली मैंने, अब मुझे इससे क्या लिखना है, मुझे इसे परसेंटेज के रूप में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, वैसे तो आपको मैंने बता दिया है कि हम किसी भी एक यूनिट को हम दो अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें 50% मिलता है। तो 50% कैसे चेंज करेंगे, ध्यान रखना कोई भी बिन है अगर हम 100 से मल्टीपल कर देते हैं तो वो क्या मिलेगा हमें, वो हमें परसेंटेज के रूप में मिल जाएगा। जैसे मैंने 100 से मल्टीपल किया, यहाँ पे कितने बार गया 50 बार गया, तो हमें क्या मिला, हमें 50% मिल गया। एक अदर एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको, वैसे मैंने 1/3 लिखा तो मैंने क्या किया, ऐसे 100 से मल्टीपल किया। मैं 100 से मल्टीपल क्यों कर रहा हूं पे, ताकि हम इसको परसेंटेज के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो मुझे क्या मिला 33/1%। तो ये किसमें चेंज हो गया, ये हमारा परसेंटेज के रूप में चेंज हो गया। वैसे तो मैं आपको 20 तक के परसेंटेज चेंज करके वो बता दूंगा, 20 तो बिन होती है हमारी, उसमें परसेंटेज में चेंज करके आपको बता दूंगा मैं। तो आप प्लीज इसे नोट करना आपके नोटबुक में। तो हमारे अब कुछ बिन है जिसे हम परसेंटेज के रूप में चेंज करेंगे, जैसे मैंने लिखा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 और मैंने क्या है 1/15। तो अब मैंने आपको बता दिया कि किसी भी हम भिन्न को परसेंटेज के रूप में कैसे परिवर्तन करते हैं, हमें सिंपल से 100 से मल्टीपल करना। ध्यान रखने ये चीज़ें आपको 2-3 दिन याद रखने, उसके बाद तो आपको ये चीज़ें डायरेक्टली आपको याद हो जाएगी। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना वैसे वैसे आप डायरेक्टली याद हो जाएगी। ये केवल आपको मैं थोड़ी बहुत समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि इस प्रकार से हम चेंज करते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैं 2 बार 50 बार गया इसमें, तो कितना परसेंट हो गया ये 50% हो गया। इसी प्रकार कितना हो गया ये हो गया, मैंने बता दिया था आपको कि 33 a/3% हो गया। जब 1/4 को जब हम 100 से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास कितना प्रतिशत आता है, वो आता है 25%। जब हम 5 से जब 100 को मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 20%। और जब 6 को हम 100 से मल्टीपल करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 16c/2/3%। 7 के लिए मैं यहां पे आपको लिख देता हूं 14c/2/7%। 1/8 को जब हम 100 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा मेरे, 12c/1/2%। 1/9 का 11c/1/9% और जब हम 100 से करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आएगा हमें 10%। तो अब 11 का है, 11 को जब हम लिखते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 9c/1/11%। इसका मिल जाएगा हमें 8c/1/3%। और 13 का हमें मिलता है 7c/9/13%। और 14 का अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल देता हूँ कि 14 का जब हम परसेंटेज के रूप में चेंज करते हैं तो हमें 7c/1/7 मिल जाता है। अगर 15 का हम करते हैं तो ध्यान रखना इसका मिलेगा हमें 6c/2/3%। तो मैं यहाँ पे आपको 15 तक लिखा रहा हूँ, जैसे आप अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है तो ध्यान रखना, ये जैसे 16 का आपको 1/16 का, 1/17 का और 1/18 का और 1/19 का और 1/20 आपको खुद को निकालना है। बिल्कुल अभी वीडियो पॉज करना, पहले तो आपको नोटबुक में ये लिखना है और जैसे नोट कर ले तो
उसके जस्ट बाद में क्या करोगे आप, इसका मुझे आप इस फ्रैक्शन को आपको किसमें चेंज करना है, आपको परसेंटेज में चेंज करना है, या आपके लिए होमवर्क है, या इसके लिए मान सकते हो अभी आपके लिए क्या है, आपके लिए पेटिक्स है। इससे क्या होगा कि आप तुरंत इन चीज़ों की चीज़ों को इसी समय सीख जाओगे आप। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं पीछे हट जाता हूँ ताकि आप इसे स्क्रीनशॉट ले सको, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसे नोटबुक में अगर लिखना चाहते हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है वो। तो आई होप कि आपके इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, अब चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरह। अब हम सीखेंगे किसी भी परसेंटेज को हम बिन में चेंज कैसे करते हैं। हमने पहले क्या सीखा, हमने पहले सीखा था किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो अब क्या सीखेंगे, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो चीज़ें सीखेंगे हम। तो देखना हमारा सेकेंड पॉइंट है, वैसे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना अगर आपको पहली बार अगर वीडियो देख रही है तो आपको कंप्लीट यहाँ पे मैथमेटिक्स मिलेगी आपको, जो हमारा लेवल रहेगा मैंने आपको बता दिया कि हम किस लेवल तक पढ़ेंगे। आपको पूरी जो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जितने भी मैथमेटिक्स आते हैं ना वो मैथमेटिक्स में यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं है कि मैंने यहाँ पे एक टॉपिक किया परसेंटेज और मैं यहाँ से चला गया हमेशा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने मेरा फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है तो आपको कंप्लीट आपको जो लास्ट टॉपिक होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये था, मैंने बता दिया है आपको। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ेंगे, हम अब पढ़ेंगे कि हम किसी भी परसेंटेज को बिन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 1% है और मुझे इसमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आपको ये छोटी चीज़ें आपको 2-3 दिन ध्यान रखनी है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। ध्यान रखना परसेंटेज को हम जब बिन में चेंज करते हैं तो प्रतिशत की जगह हम क्या लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं। तो मैंने प्रतिशत जगह क्या लिखा, मैंने प्रतिशत की जगह क्या लिखा, 1/100 लिख दिया। तो ये कितना आ गया, ये 1/100 आ गया। ये क्या हुआ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। जैसे मैंने 2% माना तो इसका मुझे फ्रैक्शन क्या मिलेगा, 1% जगह क्या लिखना आपको, 1/100 लिखना है। तो कितना मिला मुझे, 1/50, इसका कितना हो गया फ्रैक्शन वैल्यू, 1/50 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा किसका, 2% का। मुझे 3% का बताओ, मुझे तो 3% का बताओ कि आप सर जैसे मुझे 3 मिल रहा, 3 यहाँ पे लिख लो, 1% की जगह क्या लिखोगे, मैंने बता दिया आपको 1% की जगह क्या लिखोगे, आप 1/100 लिखते होगे और इसका फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी मुझे क्या मिलेगी, इसकी 3/100 मिल जाएगी। या फिर आप 4% की जब बात करने चाहो तो ध्यान रखना 4% कैसे चेंज करेंगे हम, 4/100 और जब से डिवाइड करते तो 1/25 और इसका क्या, सॉरी हाँ 1/25 और इसका तो मुझे क्या मिलेगा, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी मुझे 1/25। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखना किसी भी 25 को हम किस में चेंज करते हैं, हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं। तो ये है था, और थोड़े अच्छे लेवल के हम कोई भी परसेंटेज इसमें चेंज करके आपको बता देता हूँ मैं। जैसे मैंने माना 11c 1/9 को जब हम किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं तो किस प्रकार चेंज करेंगे। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे 1/9 क्या था, हमारे पास 9 था, तो 9 का परसेंटेज के रूप में हम चेंज किया, तो 100 से मल्टीपल किया और जब हमें परसेंटेज मिला, कितना मिला मुझे, 11c 1/9 मिला। अब 11c 1/9 प्रतिशत को हम चेंज कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा था कि 11c 1/9 लिखना है और प्रतिशत का क्या लिखना है, 1/100 लिख देना है। जैसे मैंने 1/100 कर दिया, तो आपको हाई हो कि मतलब आपको ये आपको हल करना आता होगा। तो मैंने 9 से 11 से मल्टीपल किया, उसमें क्या जोड़ दिया मैंने 1 जोड़ दिया, तो 9 को जब 11 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है, ये आता है 99 और 99 में ये ऊपर वाला इसमें जुड़ जाता है तो कितना है, ये हो गया टोटल, ये टोटल ऊपर वाला हो गया 100 और नीचे मुझे क्या मिला 9 और ये क्या हो गया 100। तो 1 और 3 क्या होते हैं, कट जाते हैं और बचा क्या हमारे पास 1/9, ये 1/9 बच गया। तो किसी भी परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 11c 1/9 का हमारे पास आएगा 1/9। तो इस प्रकार से हम जो अच्छे वाले परसेंटेज है उसे हम इस प्रकार से चेंज करते हैं। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ 2/9, ये भी क्या, ये भी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो मुझे अगर 2/9 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे सिंपल सा इसे 2 से मल्टीपल किया, मैंने सिंपल से क्या किया, इसे 2 से मल्टीपल किया। तो अगर आपको इसे 2/9 को अगर परसेंटेज के रूप में चेंज करना है आपको, तो कुछ नहीं करना आपको, 1/9 का याद रखना आपको परसेंटेज वैल्यू और इसे क्या करना आपको 2 से मल्टीपल करना, तो मुझे क्या मिलेगा 2/9 प्रतिशत। अगर आपको 3 का चाहिए तो क्या मिलेगा 3 और 1/3 प्रतिशत। इस प्रकार से आपको कोई भी आप फ्रैक्शन वैल्यू को अगर मल्टीपल करते हैं, जैसे मैंने ये क्या निकाला यहाँ पे, मुझे मैंने 3 से मल्टीपल किया तो ये मिला, ये क्या हुआ 1/3। तो 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/3 परसेंटेज की परसेंटेज वैल्यू होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद समझ में आ गया होगा।
तो अब थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टॉपिक पे हम, कि हम किसी संख्या का परसेंटेज किस प्रकार निकालते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने एक एग्जांपल क्या लिया, मैंने कहा कि 972 का निकालना है मुझे, 972 का मुझे निकालना है 11c 1/9%। तो 972 जो है, जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है मैं लिख देता हूँ कि 11c 1/9% ऑफ 927। ठीक है, तो 972 का आप 11c 1/9% कैसे निकाल लो, आपका एक आपका तरीका इस प्रकार भी हो सकता है। जाने का मतलब होता है मल्टीपल, जैसे 972 और का मतलब क्या होता है मल्टीपल, तो 11c 1/9% मुझे क्या निकालना है। तो अब मुझे बताओ अगर हम इसका ये प्रतिशत निकालेंगे, तो मैंने कहा था प्रतिशत जगह क्या माना है 1/100, मैंने आपको कहा था कि प्रतिशत की जगह क्या माना है परसेंटेज की जगह 1/100 से हम किसी संख्या को मल्टीपल करना है। तो मैंने 972 को मैंने क्या कहा, मैंने 11c 1/9 और ये क्या इसमें मल्टीपल में चले गया, तो इसका आपको मान पता होगा, इसे क्या आता है 100/9 और 100 से 100 क्या क्या हो जाए कट जाएंगे, और इसमें 972 में क्या हो जाएगा ये है 1/9 का भाग लग जाए, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 बार गया और 0 108 हमारे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आप एक तो तरीका ये होता है किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना, तो ये तरीका तो मतलब आपको बहुत कम समझ में नहीं आया होगा कि सर ने क्या बता दिया। आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप समझ ना पाओ। तो ध्यान रखना, अगर एक तो तरीका हमारे पास ये होता है, अगर सेकंड तरीके की बात करें, मैंने क्या कहा था कि हम बिल्कुल परसेंटेज केवल फ्रैक्शन में चेंज करके ही करेंगे, उससे क्या होता है कि वो चीज़ें आसान हो जाती है। जैसे एक आपको उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैंने कहा कि 972 है, 972 है, इसका मुझे क्या क्या निकालना है 11c 1/9% निकालना, का मतलब क्या होता है मल्टीपल, ये मैंने आपको बता दिया है। तो 11c 1/9% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी अभी आपको बताया कितना होता है उसका 1/9 होता है, तो डायरेक्टली से 9 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, जो आंसर मिलेगा मुझे क्या मिलेगा वो 108 मिल जाएगा। तो एक तो आपको इतना कुछ करना पड़ता है या फिर एक आपको इतना कम करना पड़ता है। तो ध्यान रखना, किसी भी प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में चेंज करके ही करेंगे किसी भी सवाल को। तो आई होप कि मतलब मैंने क्या समझाया वो समझ में आ गया होगा। ये कुछ यहाँ पे मल्टीपल है, तो मैं मान के चल रहा हूँ तो कि आपको ये कुछ सब कुछ आता होगा, कि छोटे मोटे मल्टीपल अगर आप और कंपिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करवाने आए हो, तो ये मैंने कैलकुलेशन में वैसे आपको सिखा दिया है मैंने कि किसी भी का स्क्वायर रूट कैसे निकालते, क्यूब रूट कैसे निकालते, मल्टीपल कैसे करते, तो ये डिवाइड रूट तो शायद आपको आता होगा। नौका यहाँ पे भाग देना, कुछ नहीं करना यहाँ पे। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैंने एक नंबर लिया 808 का 12c 1/2% निकालना मुझे, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली 808 का आप 12c 1/2% निकाल लो, या फिर एक आपका तरीका ये मैंने आपको बताया, या फिर 808 को आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8 और इसका डाट कितना मिल जाएगा आपको 101 मिल जाएगा, या फिर अगर ऐसा करना चाहो तो ऐसा कैसे करोगे आप 24 कितना आ गया 808 25/2/100 25 कितनी बार गया ये क्या 4 बार, और ये कि नीचे मल्टीपल हो जाएगा कितना हुआ 808 और कितना हो गया 1/8 से मल्टी होगा, तो 101 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं किस प्रकार से इसे काट रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी 1/3 जिसमें लिखा 2/9, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, 1 और 9 क्या होते हैं मल्टीपल हो गए, और 3 और 2 क्या होते हैं मल्टीपल होते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/3, आपको एक तरीका ये होता है इसे उल्टा कर दो, अगर आप ये भाग में अगर इसे मल्टीपल में करना चाहते हो तो इसे क्या कर दो उल्टा कर दो, तो क्या आ जाएगा ये मल्टीपल में आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको छोटी चीज़ें मैं बता दूंगा बीच बीच में आपको, ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है। तो इसी प्रकार से हमने क्या किया यहाँ पे 9 से इसे काट दिया, तो मैंने क्या कहा इसे इसे मैंने क्या किया इसे मैंने इसे डिवाइड कर दिया, तो इसी तरह मैंने क्या किया 75 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया था। तो ये चीज़ें आई होप कि मतलब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 720 का 12c 1/12 2% का
मैंने लिखा है यहाँ पे 11C 1/9%। तो अब मुझे बताओ 750 का 720 का मुझे 12C a/2% क्या 11C a/9% निकालना, तो कैसे निकालोगे? अब कुछ नहीं करना, परसेंटेज के रूप में आपको चक्कर में नहीं पड़ना है कि इसे फ्रैक्शन में चेंज करो। तो मुझे बताओ 720 को इससे फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या का मतलब मल्टीपल होता है? इसे लिख सकता हूँ 1/8 और इसे लिखता हूँ 1/9, तो कितना गया 90। बेहतर तो बेहतर क्या होगा, बेहतर कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 10% आ जाएगा। तो 720 का 12C a/2% का 11C a/9% कितना होता है? ये होता है 10 होता है। तो एक तो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें एक एग्जांपल माना 8 का 37/1/2% कितना होता है? तो एक तो तरीका ये होता है कि आपको डायरेक्ट परसेंटेज से निकाल लो, और अगर इसे बीन में चेंज करना चाहते हो तो बीन में चेंज कर लो। तो मुझे पता है, मैंने ये चीज़ पढ़ी है, तो मुझे पता है कि ये 3y8 क्या होती है, ये बीन होती है। तो आप सर कहोगे 3y8 कैसे आ गया सर, आपने तो ये बताया नहीं। तो मेरे भाई और बहनों ध्यान रखना, मैंने क्या समझाया था आपको, 1/8 है, इसे अगर मैं 3 से मल्टीपल करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3/8 मिल जाएगा। और 1/8 का मुझे बताओ परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, ये 12c/1/50% होती है। इसे सिंपल सा आपको 3 से मल्टीपल करना है, जो आम वेदी मिलेगा वो मिल जाएगा हमें 13C 2/a/2%। तो ये मुझे बताओ, इसके अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू में इसे करना चाहता हूँ, तो मैं 8 को अगर मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे 1/3/8 लिखूँ, तो ये कितनी बार आएगा, 1 1 1, और आंसर क्या मिल जाएगा हमें 3 3 3। तो मुझे बताओ कि जो 8 8 8 है उसका मुझे 13C a/2% कितना होता है, वो होता है हमारा 3 3 3। तो ये चीज़ें आई होगा, आपको इसे निकालना आ गई होगी आज। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हैव ए नाइस डे, गुड बॉय, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम अच्छे लेवल क्वेश्चन करेंगे और आपको समझाऊंगा कि, और मैं खुल के समझाऊंगा कि ये चीज़ें किस प्रकार से होती है। फर्स्ट क्लास थी तो इसलिए मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें समझाने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।